नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSC उड़ान में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले भी मैं आप लोगों को 2 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी प्रैक्टिस सेट के नाम से, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं और आप दोनों प्रैक्टिस सेट्स को दे पाएंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज, मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट्स तैयार किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे। प्रैक्टिस सेट जो मैंने तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, वो करीब मैंने 10 प्रैक्टिस सेट किए हैं तैयार। अगर आप लोग उनको खरीदना चाहते हैं या फिर स्वयं लगाना चाहते हैं तो आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा और आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को सारी डिटेल उसकी प्रोवाइड करा दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9027344950 है। जो भी चाहे आप उससे कांटेक्ट कर सकता है प्रैक्टिस सेट के लिए, आपके सारे ही प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे जैसे भी आप लोग चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो हम लोग अपना लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं जो हम लोगों को करना है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में से सही समास का चयन कीजिए। तो हमको इस क्वेश्चन में सही समास बताना है। हमको एक क्वेश्चन दे रखा है जैसा एग्जाम में दिया रहता है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे मैंने 25 क्वेश्चंस ले रखे हैं। आप लोगों को इन्हीं 25 में से कम 2 से 3 क्वेश्चंस बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे और मेरा एक्सप्लेनेशन इस तरीके का होगा, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है फिर भी आपके समझ में ये प्रैक्टिस सेट आएगा। ठीक है गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स वगैरह मिलता रहे और लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारहसिंघा शब्द किस समास में आएगा। अब ये देखिए, बारहसिंघा मतलब इसमें एक संख्या का बोध हो रहा है। आपको पता होगा अगर आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें संख्या आती है वो किस में आता है, बहुव्रीय समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा बहुव्रीय समास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन नंबर है हमारा जय पराजय, जय डैश पराजय। यहाँ पे देखिए हाइफन दे रखा है और इसमें पूछा है कौन सा समास है। तो आपको पता होगा जिसमें डैश करके दे रखा होता है वो कौन सा समास होता है, द्विंद समास होता है। ठीक, तो आप लोगों को यहाँ से 2 क्वेश्चन मिल गए समास के, एक मिल गया बहुव्रीय का समास का और एक मिल गया द्विंद समास का। तो आपके 2 क्वेश्चन बड़े प्यार से हो गए, अगर आपको एग्जाम में भी पूछता है तो आपको ये आसानी से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विशेषण के कितने रूप होते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा विशेषण के 4 रूप होते हैं। देख लेते हैं एक एक करके विशेषण के कितने रूप होते हैं। तो विशेषण के जैसे मैंने बताया 4 रूप होते हैं, तो वो 4 रूप होते कौन से हैं सबको देख लेते हैं एक एक करके। पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ठीक है, जो हमारा सबसे पहला होता है उसको हम बोलते हैं गुणवाचक। क्या बोलते हैं गाइस, गुणवाचक। और दूसरा होता है हमारा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। तीसरा हमारा होता है संख्यावाचक एंड लास्ट होता है हमारा संकेतवाचक, या फिर हम इसको किस नाम से और जानते हैं, सर्वनामिक, सर्वनामिक वाचक के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है गाइस, तो आपने पढ़ा विशेषण के कितने टाइप्स होते हैं, 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने रूप होते हैं, 4 भेद होते हैं। और कौन कौन से 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक एंड संकेतवाचक या फिर सर्वनामिक वाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। आपको पता होगा को किसके लिए यूज होता है, कर्म कारक के लिए यूज होता है। अब हम एक एक करके सारे कारक को देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो को होता है वो किसके लिए होता है, कर्म कारक के लिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ठीक, कर्म कारक के लिए हमारा कौन सा यूज होता है, को। एक होता है हमारा कर्ता, कर्ता के लिए कौन सा होता है, या कर शब्द कौन से आ रहे होंगे किसी वाक्य में, ने कारण, किसी कारण से। ठीक, या फिर ने से, ये सब कैसे आएंगे, कर्ता कारक के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है हमारा अगर हम करण कारक को देखें। ठीक है गाइस, तो करण कारक के अंतर्गत हमारे कौन से आ जाते हैं, करण कारक के अंतर्गत आते हैं हमारे ने, से या फिर द्वारा। और कर्ता के अंतर्गत क्या आता है, कर्ता ने, आपने ये सुना होगा कर्ता ने कर्म को, इस तरीके से बोलते हैं इसको, कर्म को
अपादान से अलग होना, अपादान से अलग होना, संबंध काके की संप्रधान क्या होता है, संप्रधान होता है के लिए, को के, इस तरीके के हम लोग आप लोग कॉपी से और पढ़ लेंगे किताब से जो भी आप लोगों के पास बुक है। तो ये को के लिए हमारा कौन सा रिलेट कर रहा है, कर्म कारक का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पर देखिए ये क्या है, विस्मयादिक चिन्ह। तो इसको जब हम डिनोट करते हैं, जब भी कोई सा कारक पूछा जाएगा तो इसके लिए हमारा होता है संबोधन कारक, इसके होता है संबोधन कारक, जैसे हे राम या फिर रे या अरे, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, संबोधन कारक के अंतर्गत, संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में से सही बहुवचन बदलकर लिखे गए वाक्यों की पहचान करना है। हमको 4 वाक्य दे रखे हैं, हमें बताना है इसमें से कौन कौन से ऐसे वाक्य हैं जो कि बहुवचन है। तो ये हमारे 4 विकल्प भी दे रखे हैं इसके साथ साथ। सबसे पहला वाक्य है, अध्यापिका शीघ्र ही कक्षाओं में, यानी बहुत सारी की बहुवचन हो गया तो हमारा ये तो हो गया ही होगा। पुस्तक नीचे रखी है, पुस्तकें नीचे रखी हैं, तो यह क्या, अगर पुस्तक होता तो क्या होता हमारा, सिंगुलर होता। अब ये क्या है, प्लूरल है, यानी बहुवचन है, पुस्तकें हैं बहुत सारे, बच्चे यानी बहुत सारे बच्चे, तो हमारा। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अपने पुत्र का, अपने पुत्र को बुलाइए, तो एक पुत्र को, अपने पुत्र को बुलाया जा रहा है, तो ये तो हमारा बहुवचन नहीं है। तो हमारे कौन कौन से बहुवचन हुए, पहला, दूसरा एंड तीसरा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कैसा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वधु का बहुवचन क्या होगा, हमें क्या बताना है, वधु का बहुवचन क्या होता है, वधुएं। आप लोगों को याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये मिल जाए। तो वधु का बहुवचन क्या होता है, वधुएं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, शांत का स्थायी भाव क्या होगा। आपने अगर रस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि शांत का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वृत्ति, निर्वृत्ति। शांत का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वृत्ति। और हम लोग एक एक करके सबको देख लेते हैं। उत्साह किसके लिए रिलेट होता है, वीर के लिए। उत्साह किसके लिए रिलेट होता है, वीर के लिए। शोक किसके लिए हमारा यूज होता है, करुण के लिए। शोक किसके लिए होता है, करुण के लिए। और जो हमारा हास्य है वो किसके लिए यूज होता है, हास्य है, हास्य के लिए। ये आपको याद रखना है, कोई सा भी आपके एग्जाम में आ सकता है, आपके लिए मैंने 4 ही बता दिए हैं, और भी होते हैं तो आपका अपना अपना पढ़ लीजिए। मैं इस एक प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने ये 5-4 कवर कर लिए, इसी तरीके से बाकी के और प्रैक्टिस सेट में सभी कवर को करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिय का तद्भव शब्द बताना है। प्रिय का तद्भव क्या होता है, पिया। क्या होता है प्रिय का तद्भव, पिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, हमें क्या बताना है, इन 4 में से एक कोई तद्भव शब्द है उसका चयन करना है। तो हमारा पंख कैसा है, तद्भव शब्द है, ठीक है। बाकी हमारे कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, मक्खी शब्द का तत्सम रूप बताइए, हमें क्या बताना है, मक्खी का तत्सम रूप बताइए। तो मक्खी का तत्सम रूप क्या होता है, मच्छिका। आपको याद होना चाहिए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, मक्खी का क्या होता है, मच्छिका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, आंख का तत्सम रूप बताना है। आंख का तत्सम क्या होता है, आंछी। आप लोगों को पता होगा और ये आपके एग्जाम में मिल सकता है और काफी बार रिपीट भी हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, अग का विलोम क्या होगा। तो अग का आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है, विग। अग का क्या होता है, विग। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्मुखी का विलोम बताइए। अंतर्मुखी मतलब अंदर का, अंत मतलब क्या होता है, कोई भाग हो अंदर का। अब तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बाहर का, तो क्या हो जाएगा हमारा, बहिर्मुखी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक ऐसा है जो कि चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, तो हमको इनका चयन करना है कौन सा नहीं है। चांदनी का क्या होता है, चंद्रातप, कौमुदी और ज्योत्सना, ये सब क्या है, चांदनी के पर्यायवाची हैं। एक बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मयंक, ये हमारा चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जनार्दन का पर्यायवाची है। तो जनार्दन किसको कहते हैं हम लोग, विष्णु को कहते हैं। आप लोगों को पता होगा किसको कहते हैं, विष्णु को। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, विष्णु कौन से पे, ऑप्शन नंबर सी पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, छा वर्ड किसके योग से बनता है? तो आपको पता होगा छा किसके योग से बनता है, का आधा का प्लस शा। आधा लिखने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, नीचे हलंत लगा देते हैं, ठीक है। तो का और शा ऑप्शन नंबर एक हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, पवन का सिंधि विच्छेद करना है। तो पवन का सिंधि विच्छेद कैसे किया जाता है, पो प्लस अन। पवन का क्या हो गया हमारा, पो प्लस अन। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, उच्चारण का सही सिंधि विच्छेद क्या होगा। उच्चारण शब्द है, इसका सिंधि विच्छेद करना है, तो उत प्लस चारण क्या होगा उच्चारण का, उत प्लस चारण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा कैसा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा एक शब्द में व्यक्त कीजिए, आपको एक पूरा वो दे रखा है, इसका एक शब्द बताना है। सबके समान अधिकार पर विश्वास, मतलब जो सबके समान अधिकार की बात करें, सबको एकदम सामाजिक रूप से नोपे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समाजवाद, जो समाज के लिए काम कर गए। नेक्स्ट है अब हमारा, हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हम लोग गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के सही उत्तर देंगे, ठीक है। तो गद्यांश एक बार पढ़ लेते हैं फिर उसके सही उत्तर देते हैं। बाल मस्तिष्क की प्रकृति की यहाँ यह मांग होती है। गाइज अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को इसकी टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी और आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार स्वयं लगा सकते हैं। इसके लास्ट में आंसर्स भी दे रखे हैं, ठीक है। तो बाल मस्तिष्क की प्राकृतिक मांग क्या है ये देख लेते हैं, कि बच्चे का बौद्धिक विकास विचारों के स्रोत के पास हो। दूसरे शब्दों में यह ठोस वास्तविक बिंबों के बीच और सर्वप्रथम प्रकृति की गोद में हो। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या कह रहा है, जहाँ बच्चा ठोस बिंब को देखे, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाल मस्तिष्क है उसके दिमाग के अंतर्गत हमें प्रकृति किस तरीके से लाई जा सकती है उसके बारे में ये बात की जा रही है। बच्चों के दिमाग को हम लोग कैसे विकास और विचारों से अच्छा दे सकते हैं, जिससे उसको अच्छे से समझ में आए। तो आप लोग अगर नहीं जानते, मतलब पढ़ते नहीं पैराग्राफ, फिर भी इसके आंसर दे सकते थे, क्योंकि ये हमारे क्या है, नॉर्मल लाइफ में जुड़ा हुआ है। सुने और फिर उसका विचार इस बिंब के बारे में प्राप्त सूचना के संसाधन के काम में आगे लगे। जब बच्चे को प्रकृति से दूर रखा जाता है, जब बच्चा पढ़ाई के पहले से ही केवल शब्दों के रूप में सारा ज्ञान और बोध पाता है, मतलब ये कहना चाह रहा है अगर बच्चा स्कूल जाता है और उसको शब्दों को बोझ ला दिया जाता है, मतलब उसको शब्द ही शब्द पढ़ाने चालू कर दिए जाते हैं, उसको समझाया नहीं जाता है, उसको सामाजिक प्राकृतिक रूप से नहीं समझाया जाता है, जब तक उसकी समझ में नहीं आता है, वो किसकी बोझ में लद जाता है, शब्दों के बोझ में लद जाता है। देखिए तो उसके मस्तिष्क की कोशिका जल्द ही थक जाती हैं। अगर उसको शब्द वगैरह हम लोग याद कराएंगे, अलग अलग नए नए शब्द रोज रोज याद कराएंगे, तो उसकी क्या सी होती है, मस्तिष्क कोशिकाएं जो होती हैं थक जाती हैं और अध्यापक द्वारा प्रस्तुत काम को निभा नहीं पाता। अब जो उसको उसकी टीचर ने काम दिया है, अध्यापक ने काम दिया है, वो काम को कर नहीं पाता। और इस कोशिकाओं को भी अभी विकसित सशक्त दृढ़ होना है, मतलब इन कोशिकाओं की क्या होती है, अब जो बचपन है हमारा, धीरे धीरे हमें बढ़ना है, लेकिन किसकी वजह से हम लोग नहीं विकसित हो पा रहे हैं, शब्द वगैरह ये हम लोगों पर बोझ ला दिया गया है, नए नए शब्द दिए जा रहे हैं याद करने के लिए, जिससे हमारी कोशिकाएँ जल्द ही थक जाती हैं और फिर आगे नहीं बढ़ती हैं। लेकिन इसी समय में क्या होना है, हमारी कोशिकाओं को भी बढ़ना चाहिए। बढ़ना है, वो कैसे बढ़ाएंगे, यहीं पर उस बात का कारण छिपा है जो प्राथमिक कक्षाओं में अक्सर देखने में आती है। बच्चा चुपचाप बैठा अध्यापक की आंखों में आंखें डाल देखता है, बच्चा क्या करता रहता है, सिर्फ उसकी आंखों में आंखें डाल देखता रहता है, मानो बड़े ध्यान से सुन रहा हो, लेकिन वास्तव में वह एक शब्द भी नहीं समझ पाता, क्योंकि बच्चे को नियमों पर सोच विचार करना पड़ता है, मतलब जो नए नियम आए, नए शब्द आए, उन पर सोच विचार करना पड़ता है, लेकिन टीचर उसको इतना टाइम नहीं देता है कि वो इतना सोच विचार कर पाए। वो सिर्फ ये चाहता है कि मैंने इसको ये बता दिया तो वो तुरंत याद कर ले। और ये सब अमूर्त समानिवर्ती सामान्यकृत बातें होती हैं। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वास्तव में वह एक शब्द भी नहीं समझ पाता, ये आपका पैराग्राफ में आया था, वास्तव में वह एक शब्द भी नहीं समझ पाता, इसका स्वभावित कारण क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारा क्या क्या दे रखे हैं, बच्चों के पास कोई सजीव बिंब नहीं होता, बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, बच्चों के पास बहुत सीमित अनुभव होता है,
या फिर शिक्षक बच्चों की बात नहीं सुनते। तो हमारा क्या है, बच्चों के पास बहुत सीमित अनुभव होता है। अब बच्चा तो बच्चा ही है, उसको क्या अनुभव किसी चीज़ का। तो ऑप्शन नंबर हमारा कैसा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों की प्रकृति के निकट रखने की बात क्यों की गई है। बच्चों की, जैसा मैंने अभी बताया था आपको पैराग्राफ पढ़ते हुए, बच्चों की प्रकृति के निकट रखने की बात क्यों की है, क्योंकि इसकी कोशिकाएं जो होती हैं विकसित नहीं हो पाती हैं और बच्चा क्या करता है, वातावरण में नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं निकट रखने की बात क्यों कही है, इसकी क्यों बात कही गई है कि इसको फ़ायदा उठाए। सबसे पहले प्रकृति में शुद्ध ऑक्सीजन होती है, ये तो कहीं हमने पढ़ा ही नहीं। प्रकृति का हरा भरा वातावरण बच्चों को आकर्षित करता है, ये भी हमने कहीं नहीं पढ़ा। बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से बिंब बनाते हैं, ये भी नहीं। इंद्रियां तो हमने शब्द नहीं पढ़ा था, बच्चे बिंब तो बनाते हैं, ये भी नहीं था। नेक्स्ट ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे को सबसे ज़्यादा विचार प्राकृतिक वातावरण में ही आते हैं। अब जब वो समाज में देखेगा चीज़ों को होता हुआ, तभी उसको समझ में आएगा कि ये सब क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, केवल शब्दों, यहाँ पे देखिए शब्दों होगा, शब्दों के रूप में सारा ज्ञान देना क्या होता है। केवल शब्दों के रूप में जो बच्चों को अध्यापक ज्ञान देता है उसका नुकसान क्या होता है। देखिए, बाल मस्तिष्क को प्रखर बनाता है, बाल मस्तिष्क की प्रकृति के विरुद्ध है, बाल मस्तिष्क की कोशिकाओं को विकसित करता है, बाल मस्तिष्क की प्रकृति के अनुकूल है। अब देखिए, आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ये हम लोगों ने प्रखर बनाता है, ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर उस पर शब्दों का बोझ डाला जाए और वो प्रखर बन जाए, तो ये तो गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, बाल मस्तिष्क की प्रकृति के विरुद्ध है, मतलब हम लोग क्या कह रहे थे पैराग्राफ में, हमने क्या पढ़ा था, जो बाल मस्तिष्क होता है अगर उसको शब्दों का बोझ ला दिया जाता है जिससे उसकी कोशिकाएँ विकसित नहीं हो पाती हैं, तो ये क्या है, प्रकृति के विरुद्ध ही तो है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कैसा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, इस गंधांश के आधार पर आप अपनी कक्षा में क्या करेंगे। ये आपको सजेशन, मतलब सजेशन देना है कि आप क्या करेंगे बच्चों के समझने के लिए। बच्चों को मैदान वन बाग के शेयर कराएंगे, बच्चों पर सीखने का बोझ नहीं डालेंगे, बच्चों के मस्तिष्क को प्रखर बनाने के लिए कठोर परिश्रम करेंगे और बच्चों से करवाएंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऐसे अनुकूल वातावरण, यहाँ पे क्या होगा, वातावरण, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। वातावरण का निर्माण करेंगे जहाँ बच्चों की इंद्रियाँ अनुभव के अवसर मिलें। ठीक है, बच्चों को क्या हो, इंद्रियाँ उसकी कैसी हो, विकसित हों और उसको नए नए अवसर मिले। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, जब बच्चों को प्रकृति से दूर रखा जाता है, वाक्य के रेखांकित अंशों में कौन सा कारक है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये सेंटेंस है, हम लोगों को इसमें बताना है कौन सा कारक है। तो आपको पता लग रहा होगा कि हमारा को शब्द का आ रहा है, और जैसे अभी मैंने बताया था को किसके लिए यूज होता है, कर्म के लिए होता है, कर्ता ने कर्म को, ये सब बताया था मैंने। तो हमारा ऑप्शन नंबर कैसा होगा, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पर इसके आंसर्स दे रखे हैं 1 to 25 तक, आप लोग इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम ग्रुप से। अगर आप लोगों को नहीं पता है टेलीग्राम ग्रुप पर किस तरीके से ज्वाइन करना है और PDF किस तरीके से लेनी है, तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को देख कर आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम अगर आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा है तो आप लोग सर्च में क्या करें, SSCUDAAN विदाउट गैप के डालना है आपको, SSC उड़ान, आपको तुरंत मेरा चैनल मिल जाएगा और मेरे लोगो भी लगा होगा जैसा आपके बैकग्राउंड में आता है। ये देखिए, ये आ रहा है, इस तरीके का लोगो मिल जाएगा आपको, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है गाइज, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।